फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। मोदी सरकार ने कहा कि खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों को रोकने और उनकी उपलब्धता बढ़ाने के मकसद से तेल तिलहनों की जमाखोरी एवं काला बाजारी रोकने के लिए उसने एक निगरानी अभियान शुरू किया है। देश खाद्य तेलों की अपनी लगभग 60% घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। वैश्विक राजनीति अस्थिरता के कारण पिछले कुछ महीनों में विभिन्न खाद्य तेलों की फुटकर कीमतों में भारी तेजी देखी गई है। केंद्र सरकार के विभिन्न उपायों के बावजूद कीमतों में तेजी बनी हुई है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे का कहना है कि सरकार ने कई उपाय किए हैं। हालिया कदम ये है कि हमने खाद्य तेलों और तिलहनों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए 1 अप्रैल से निरीक्षण अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों के एक साथ एक केंद्रीय टीम विभिन्न तिलहन और खाद्य तेल उत्पादक राज्यों में निरीक्षण कर रही है। सुधांशु पांडे के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को अब निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस अभियान को और तेज किया जाएगा। अन्य उपायों के बारे में सचिव ने कहा कि सरकार पहले ही खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती कर चुकी है, स्टॉक रखने की सीमा बढ़ा दी गई है और निजी व्यापारियों के माध्यम से आयात की सुविधा के अलावा बंदरगाहों पर जहाजों की शीघ्र निकासी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों के साथ नियमित बैठकें कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खुदरा विक्रेताओं द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य MRP का अनुपालन किया जा रहा है। सूरजमुखी के तेल के मामले में सचिव ने कहा कि रूस और यूक्रेन 2 प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश हैं और निजी व्यापारी अन्य देशों से खाद्य तेल खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत कम मात्रा में होगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 महीनों में सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल और पाम तेल की औसत खुदरा कीमतों में तेज उछाल आया है। इस साल 1 जनवरी के 161.71 रुपए प्रति किलोग्राम की तुलना में 4 अप्रैल को सूरजमुखी तेल की औसत खुदरा कीमत 184.58 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसी तरह सोयाबीन तेल का औसत खुदरा मूल्य 148.49 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 162 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, जबकि पाम तेल का मूल्य इस दौरान 128 रुपए किलो से बढ़कर 151 रुपए किलो हो गया। 4 अप्रैल को मूंगफली तेल की औसत कीमत 181 रुपए प्रति किलोग्राम थी, लेकिन उक्त अवधि में सरसों तेल 2.78 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि के साथ 188.54 रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।